आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विचार मंथन किया गया। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि वाहन दुर्घटना से असमय मौत के साथ संपत्ति और वाहन मालिकों की प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। कोई वाहन मालिक नहीं चाहता कि दुर्घटना हो। वाहन दुर्घटना रोकने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। वाहन दुर्घटना रोकना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। और उसके बाद फिलहाल हो जीवन बचे ना बचे हर इंसान अपने घर के लिए पूर्ण होता है। परिवार में कोई भी उसका घर पे वेट कर रहा होता है तो हम लोग जो चीज रोक सकते हैं मिलकर, जैसे हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट, ट्रैफिक एजुकेशन का पार्ट, प्लस आप लोग सहयोग से जो चीज रुक सकती है क्यों हम उसको मिलकर सही रोके, इसलिए आप लोगों का आ रहे हैं। आप लोगों ने कहा होगा दो पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और एजुकेशन। जगह जगह पर लोग रोक कर रखे स्कूल पढ़ाते हैं, उधर जाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं और कई बार साथ में चलान भी करते हैं। जैसे कि कोई आ रहा है दो पार्ट में चलान करता हूँ, मतलब रोड सेफ्टी के लिए उसका पालन करता। बैठक में संबंधित अधिकारी सहित बड़ी संख्या में बस मालिक उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर एवं एसपी की उपस्थिति में बस मालिक संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विगत दो दिनों से कई बसों के दुर्घटना होने पर चिंता जाहिर की गई एवं दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमुख रूप से बस ऑपरेटरों से कहा गया कि बसों के फिटनेस की नियमित जांच होती रहे और आपातकालीन द्वार खुलने की स्थिति में हो। बस के सारे पेपर, फिटनेस परमिट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हो तभी बसों का संचालन हो। यात्री बसों में फास्टेड बॉक्स लगा होना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा के लिए दो ड्राइवरों का उपयोग करें। बसों के स्पीड लिमिट का पालन हो, बसें ओवरलोड ना हो, ड्राइवर नशे की स्थिति में ना हो तथा उसकी समय समय पर काउंसलिंग होती रहे। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रमुख रूप से संघ के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, सचिव प्रमोद सिंह, कोषाध्यक्ष रमेश तिवारी, अशोक श्रीवास्तव, नागेश सिंह, पुष्पेंद्र द्विवेदी, संतोष गुप्ता, रवि प्रधान, शैलू प्रधान, भाइयों खान, राधा दुबे, टिंकू मिश्रा, जगन्नाथ सिंह, राजेश सिंह से आदि अनेक मोटर मालिक उपस्थित रहे। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, जैसे आज जो एक्सीडेंट हुआ था, जैसे वो यूपी पासिंग के बस में उसके ब्रेक में इशू आया और वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, नहीं लग रहा था। जो उस दिन रात की गुड़ वाली घटना थी, रेगुलर उस रूट पे आने वाले ड्राइवर से एक्सपेक्टेड नहीं है कि उसमें उस स्पीड से आए और उस तरीके से उसको काटे और एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि अगर कोई बाहर की गाड़ी हो तो एक बार समझ में आता है कि वो ट्रेन को नहीं समझ पाया या इस एक्सिस की गाड़ी को नहीं समझ पाया। रेगुलर उस रूट की बस है, उस रूट का ड्राइवर है, उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो या तो ब्रेक लगा रहा।